ਆਲੂ ਵਾਲਿਆ अरविंद केजरीवाल की जित है और असी इको चीज क्लीयर होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई हरा सकता तो वो अरविंद केजरीवाल हरा सकता पर जिस तरीके तीन काउंसलर जिहड़े ने भाजपा चले गए लगता उस कोई फर्क पाऊगा देखते हैं बारे भी डिस्कस कर देखिए आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। सन्नी आलूवालिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर कैसे देखते हैं इस जीत को क्योंकि अभी भी लगातार हमने देखा कि मनोज सोनकर ने रिजाइन कर दिया, तीन आम आदमी पार्टी के पार्षद चले गए, कैसे देखते नहीं हम तो यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इलेक्शन होती है और इलेक्शन को देख के लड़ना चाहिए और देख के जीतना चाहिए। और ये देखिए साथ साथ चलते हुए आज जो जीत का जश्न है यहाँ पे जज्बा नजर आ रहा है, जज्बात नजर आ रहे हैं और जश्न नजर आ रहा है। कैसे आप आगे बढ़ेंगे, जनता को क्या बोलना? जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज भी लोकतंत्र जिंदा है, हमारे मान्य उच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत होती है और लोकतंत्र पे विश्वास रखें। और मनोज सोनकर और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो चले गए, क्या आपको लगा कि अभी भी गेम चल रही है, क्या लगा आपको? नहीं वो बहकाए गए, वो वापस आएंगे, हमारे साथी जो है वो कहीं ना कहीं घर वापसी करेंगे और क्योंकि जिस तरीके से वो बहला फुदला के लेके गए ना तो वो वापसी करेंगे, वो मतलब उन्हें गलत गाइड किया गया। आप आज चंडीगढ़ के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, खास तौर पे जिस तरह से अनिल मसीह की जो कार्रवाई हो रही है, अब वो बोल रहे हैं कि जो उनको नोटिस दिया गया है कंटेंट ऑफ कोर्ट का, कंटेंट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो अनिल मसीह को दिया गया, अनिल मसीह जी के खिलाफ सही मायने में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जश्न का माहौल है, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान, उनको क्या बोलना चाहिए, उनसे बातचीत? उनसे अभी मेरी बातचीत तो नहीं हुई है, माननीय हमारे जो सह प्रभारी जी उनकी बात हुई है और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ माननीय केजरीवाल जी का, माननीय भगवंत मान साहब का और जितने भी हमारे लीडर साहबान है आलूवालिया जी सभी का और अपने साथी पार्षदों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप ही मीडिया लोगों ने सबसे पहले ही धांधली उजागर की थी, मैं आप लोगों का तहे दिल से। आखिरी सवाल, डिप्टी मेयर और शिवसेना डिप्टी मेयर के चुनाव कब? जल्दी करवा दी जाएंगे। सीधा बात कर रहे थे, एक बड़ा दिन कुलदीप कुमार टीटा के लिए, आंसू नजर आए आज और ये जीत के आंसू है और खास तौर पे एक जीती हुई बाजी है, वो हार गए और उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने आज बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन दिए हैं खासतौर पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है और अभी देखना होगा कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बोल रहे हैं जीत जो है वो बिल्कुल सामने हुआ है और जीत सच्चाई की हुई है।